अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग देख रहे हैं वोल्फी गेमिंग। तो आज मैं आप लोगों को गेमिंग चैनल के लोगों के बारे में बताऊंगा कि आप लोगों ने गेमिंग चैनल का लोगो कैसे बनाया। तो आप लोगों ने जैसा कि नया यूट्यूब चैनल तो बनाया होगा, तो उसके लिए आप लोगों एक गेमिंग चैनल के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इस पूरी वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि आपने गेमिंग चैनल का लोगो कैसे बनाना है। मैं आपको सारी वीडियो में गेमिंग चैनल का लोगो बनाना सिखाऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स, पहले ज़रा इंट्रो देख लें। तो फ्रेंड्स, चलें हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ दो ऐप्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक पिक्सल लैब और एक जिससे हमने लोगो का जो डिज़ाइन है वो कहाँ से लेना है। तो चलें हम अपने प्ले स्टोर पर चलते हैं। तो जैसा कि मैं अपना प्ले स्टोर ओपन कर लिया, तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा स्पोर्ट्स लोगो मेकर। तो आपने ये वाला लोगो मेकर जो ऐप है ये डाउनलोड कर लेनी है। इसमें हमें काफ़ी सारे डिज़ाइंस मिल जाएंगे जो हम अपनी वीडियो में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसके बाद आप लोगों ने एक और ऐप डाउनलोड कर लेनी है, पिक्सल लैब। तो जैसा कि मैंने पिक्सल लैब भी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये जो डाउनलोड किया हुआ है उसको ओपन कर लेना है, लोगो मेकर को। तो मैंने लोगो मेकर को डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैंने इसको ओपन कर लिया। हमने क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्रिएट। क्रिएट को दबाया, इसमें से कोई भी हमने लोगो सेलेक्ट कर लेना है, जो आपको सबसे बेस्ट लगता है वो आप लोगो सेलेक्ट कर लें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, मैंने ये वाला लोगो सेलेक्ट कर लिया है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स, हमने अपना लोगो सेलेक्ट कर लिया हुआ है, लेकिन हम इसको यहाँ पर सेव कर लेंगे। यहाँ पर हम इसका कोई टेक्स्ट वगैरह नहीं लिखेंगे। तो सेव करने का तरीका ये है, आपको कॉर्नर पर ड्राफ्ट दिख रहा है, ड्राफ्ट पर क्लिक करें, एक ऐड आएगा, इसको आप क्लोज करें और ये ड्राफ्ट लिखा हुआ है, इस ड्राफ्ट को दबाएं और फिर से ऐड को क्लोज करें। तो जो आपने सेलेक्ट किया उसको ये सेव का बटन लिख है, सेव, इसको आप सेव कर लें। तो ये हो गई है सेव। तो आप लोगों ने आ जाना पिक्सल लैब में। तो यहाँ से आप लोगों ने थ्री डॉट्स को दबाना है और यहाँ यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, इसको क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों ने जो इमेज डाउनलोड की है ये आगे डाउनलोड, यहाँ से आपने इसको दबा देना। अब यहाँ पर आप लोगों ने टेक्स्ट देना है, यहाँ से टेक्स्ट हम देंगे, ठीक है। यहाँ से टेक्स्ट, जैसा कि मेरे चैनल का नाम है वोल्फी गेमिंग, तो मैं वोल्फी गेमिंग लिख लेता हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले सिर्फ अभी गेमिंग लिखा है, हम गेमिंग को पहले सेट कर लेते हैं कहाँ पर हमने इसको रखना है। यहाँ पर इसका हम सेट कर लेते हैं, तो ये यहाँ पर आ गया। और इसका कलर वगैरह बाद में चेंज करते हैं। तो एक और टेक्स्ट लिखते हैं, तो ये आपने प्लस का बटन ये कॉर्नर पर शो हो रहा है, आपने इस पर टैप करना है और ये टेक्स्ट लिखा हुआ है सबसे ऊपर, टेक्स्ट को दबाना है, ये कॉर्नर पर आ जाएगा आपकी पिक्चर के ऊपर, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने लिख लेना है। अब मैंने वोल्फी लिखने के, मैंने गेमिंग लिख चुका हूँ मैं, तो मैं वोल्फी लिख लेता हूँ। इसका साइज़ वगैरह भी पहले, सबसे पहले फॉन्ट्स फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं हम। तो ये फॉन्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। अब सबसे पहले कलर देख लेते हैं, कलर रेड रखना चाहिए रेड रख लें, वाइट रखना वाइट रख लें, तो वाइट ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो गेमिंग का कलर चेंज करना है, गेमिंग का कलर चेंज कर लें अगर आप लोगों ने करना है तो। तो मेरे ख्याल में ऐसे बिल्कुल सही लगेगा। तो फ्रेंड्स, देख लें आप अब इसको सेव कैसे करना है। ये प्लस के आइकन के साथ एक और आपको ये फाइल की तरह का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें और सेव एज इमेज, इमेज को दबाएं और ये डायमेंशंस पे डिफ़ॉल्ट लिखा है, डिफ़ॉल्ट पे नहीं आपने करना, आपने डिफ़ॉल्ट को क्लिक करना है और यहाँ अल्ट्रा लिखा होगा सबसे एंड पे, अल्ट्रा पे, कि अल्ट्रा सेव होगा, जो इमेज के जो पिक्सल हैं वो बिल्कुल सही रहेंगे और इमेज बहुत अच्छी रहेगी। तो आपने सेव टू गैलरी कर लेना है, तो ये सेव हो गई है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।